अंकल आपने उठाया नहीं, गोल्डी को बच्चों का स्कूल मिस हो गया। ऊपर था आपके पास, मैं तो नहीं उठाया हूँ। क्या बोल रहे हैं? मैं क्या आपके पास ही थे ना ऊपर? ऐसा नहीं होता है, आप मेरे पास से इतनी आशाएं रख रहे, तो आपने आपने एज ए फादर एज ए दादा क्यों नहीं बोला कि चलो उठो? माँ बन के आई हो ना उसके? नहीं नहीं, गेस्ट हूँ या माँ हूँ तो वो बाप हम नहीं तुम्हारे है। वो गेस्ट समझते हैं, वो लेकिन आपका तुम बाप माँ बन नहीं के है। आई हो। नहीं वो बाप नहीं है, उन्होंने उठा के भेजना नहीं चलो सर जी, चाहिए होता था। मेरे में आप अपने सामने बेटे की जो मर्जी एक बोली भूल जाइए। एक्सेप्ट कीजिए, आप ही के बेटरमेंट के हम तो लिए मुंह है। बंद करके रखा हुआ नहीं है। ऐसा नहीं होता है। क्या हुआ? कहती आपने वो बच्चों को उठाया क्यों नहीं? आप लेके जाते हो, तुम दादा हो। मैं कहा तुम माँ बन के आई, तुम क्यों नहीं लेके तो भेजा? आप एक डिसाइड करो, माँ है या गेस्ट है। माँ तो कहीं नजर ना आई। आपकी भूल एक्सेप्ट करो, माँ को क्यों बोल रहे हो? हम सारे नहीं हम सारे मैं देख गलत हैं, रही तुम तो हूँ, सही हो। उन्होंने कल मुझे बता दिया कि मुझे कोई रूल नहीं मानना है, तो मैं उनको बिल्कुल क्या अकेले बोलूँ? सही हो। जो मैं काम करती हूँ वो करने में मैं बहू बन जाती हूँ। वही काम का जो लोड अगर रूल इन पे आता है, जसप्रीत पे आता है, तो नौकरानी जो बन रूल जाता आपने है। बनाया है वो आप फॉलो कर रहे हो ना? मेरे हाँ हाँ कर रही हूँ। ऊपर सफाई होने वाली है, गंदा पड़ा है, साफ करो। मैं कर रही हूँ। बच्चों को नहीं उठाओ, स्कूल मिस्टर भेजो, लूजर ठीक है? यू डोंट बोलो टॉक, मिस्टर लूजर आप तो बोल के छूट गए। सर बोलो, मैं इसलिए ये रूल फॉलो, नहीं कोई यस सर नहीं होगा। तुम्हारी औकात है सर बोलवाने की? तुम्हारी औकात है यस मैम बोल दिया बुलाने तुमने की? मैम बोल दिया तुमने मैम तुम्हारी औकात बोल है? दिया बोल तो दिया। रूल यू का फिनिश्ड इट, ठेंगे के यू रूल यूज फिनिश्ड कर इट। रही हो मेरे मिस्टर जीरो एंड मिस्टर पैर ठेंगा दबाओ, छाप ठेंग। पैर पैर कल दबाओ, पूछो पैर तुम्हारी दबाओ, मम्मी अभी को क्या दबाओ, किया। पैर दबाओ, स्कूटर साफ अरे करो। मिस्टर लूजर तुम ऊपर करके कपड़े धोने दिखाओ, वाले तुम पड़े करके हैं। दिखाओ। तुमने रूल्स के लिए बोल दिया कि मुझसे नहीं होना, आई एम अ लूजर, कपड़े फिनिश। कपड़े दो, कुछ आता नहीं है, कुछ कुछ तेरे को कुछ आता आता ना, नहीं है। रूल कर अपने डोंट टॉक फॉलो तेरे कर को, डोंट टॉक रूल। तेरे को, मैं ऊपर तेरे को जाके बोलना कपड़े धोने नहीं, वाले पड़ा मैं है। बता रही हूँ डोंट यू तेरे को। ऊपर कपड़े अब धोने वाले हैं। तेरे यहाँ बीवी जाओ, को बुलाने में तेरी माँ को बोल, कुछ करने आता नहीं है, बोलने तो आता कर है, रहा रूल तूने कर लिया है, रूल कर फिर। मैं यू में हाथ चलाने आता है, पैर हिलाने नहीं आता है। पापा को बुला, बोल लिया तुम्हारा फर्ज है तो तू तैयार करती, सुबह उठाती क्यों आती उनको? तुम क्या करोगे गोल्डी? मैं 8 दिन आई हूँ, मैं करके चली जाऊंगी। व्हेन विल यू बी अ मैन? किचन के बाद 10 मिनट के लिए मुर्गी भर के दिखा ले, मैं तेरे सारे रूल फॉलो करूंगा। ओह माय गॉड मिस्टर गोल्डी, यू आर रिडिकुलस। कल ही उन्होंने सबके सामने बोल दिया है कि मैं रूल फॉलो नहीं करना है, तो एटलीस्ट आप जाके बोल सकते थे उनको कि उठो और बच्चों को स्कूल भेजो। पर एज यूजुअल उनको आर्गुमेंट करने का एक मौका मिल गया था और बोल रहे हैं आप माय एक्सचेंज पे हो। इट्स नॉट अबाउट बीइंग ऑन माय एक्सचेंज। एक दिन भी इसने बच्चों को नहीं खाना नलाया दलाया। क्या क्या माँ माँ बनने आई है ये? इसको माँ बोलते हैं जो बच्चों को नहीं देख सकती? वो तो पिकनिक मनाने आई है, कोई माँ बनने नहीं आई। एक तरफ तो सपना जी आपने घर के बड़े बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा और करना शुरू कर दिया उनका भी अपमान। सपना जी ऐसी नहीं होती हैं शहजादियां। वहीं दूसरी तरफ राजबीर मौका मिलते ही घर वालों की ही नकल करके कर रही हैं उनका मनोरंजन। सब गलत हो रहा है इधर, सब गलत दिखा रहे हमको, हम जैसा है। मैं आंटी आप क्यों इतना परेशान, टेंशन क्यों ले रही हैं आप? वो बात नहीं है, ऐसा नहीं है, वो शूटिंग शाटिंग सब रहता है ना, वो सब गड़बड़ हो गया सब, ऐसा नहीं है, वो शूटिंग रहता है। आंटी आप चाय पियेंगे? नहीं आप पियेंगे? मैं बनाती हूँ ना, मैं बनाती हूँ। मौसी चाय बनाओ। एक तरफ कहती मैं बनाती हूँ, दूसरी तरफ कहती मौसी चाय बनाओ। और वीरल मेरे को तेरे से ज़्यादा बात नहीं करने का, मुझे तेरे से ज़्यादा बात नहीं करनी है। तू सपना के जैसे नहीं बन सकती है। मैं एक बात बोलूं राजवीर, तू सपना के जैसे नहीं बनती है, बस मुझे यही तेरे से कहना है। हाँ मम्मा आप रहने दो ना, आप रहने दो ना, मैं बात कर रहा हूँ ना, तो मुझे नहीं करनी है बात, इससे नहीं बात करनी है। रहा एक्सपीरियंस, कुछ बार नोकझोंक भी अच्छी हुई थी, लेकिन हमने उसका सुलह कर लिया और इट वॉज हैप्पी एंडिंग। राजवीर का राजवीर का करो। मम्मी जी मम्मी जी मैं काफी हद तक अपनी उस चीज में कामयाब हुई हूँ, क्योंकि मैं इनकी पर्सनैलिटी तो चेंज नहीं कर सकती। कुछ चीजें थी जो मुझे लगा कि वीरेल तुम अपनी मम्मी को टाइम दो, मम्मी को प्यार किया करो, तो वो वीरेल ने की है। एक रूल मेरे को फॉलो करने का है, चल। जैसे कि आप सब लोग जानते हो राज जी ने रूल्स बनाए थे, एक चीज उन्होंने सेंसिबल कहा था कि गुरुवार के दिन वीरेल अपने मम्मी के पाव धोएगा, जो मैं कर रहा हूँ। मैं मम्मी डैडी दोनों का पाव धोने वाला हूँ। शो की जरूरत नहीं रही है बेटा, अबे उसको करने दो आंटी। राज माय सन प्लीज कम बैक। डांस कर, इधर मैं डैडी के साथ करने वाला हूँ, डांस कर रहा हूँ तो हो गया।
राजवीर जी और शाह परिवार ने आखिरी दिन बड़ी ही खुशी से बिताया। अब वक्त आया दोनों माओं को अपने अपने घर जाने का। एक तरफ तो परिवार वाले कर रहे हैं राजवीर को खुशी खुशी विदा, तो वहीं दूसरी तरफ 8 दिन की रंजिश के बाद मन में मलाल लिए सपना जी तो चली राजवीर जी से रूबरू होने। देखते हैं क्या होगा जब दोनों माओं में होगा आमना सामना। और सपना जी कैसी हैं आप बताओ पहले। मिसेस राजवीर, आई एम सुपर फाइन। आप मुझे ये पहले बताइए कि आपको घर वाले कैसे लगे। घर वाले काफ़ी इनसेंसिटिव लगे मुझे। इनसेंसिटिव मतलब? फीलिंगलेस। उनको फीलिंग नहीं, एक्नॉलेजमेंट नहीं, अप्रिसिएशन नहीं। अगर आप एक्चुअली उनके साथ रह रही हो तो हैट्स ऑफ टू यू मिसेस राजवीर। थैंक यू सो मच। बिकॉज एट द एंड वट एवर आई डिड, मुझे नहीं लगता कि उनमें वो थी बात कि वो किसी को थैंक यू कहे। और कैसा फिर आपने क्या लगा आपको? यू डिस्कस अबाउट माई फैमिली। अच्छा, आपकी फैमिली सेम बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया फैमिली। आपके मम्मी बहुत अच्छी हैं, आपके पापा बहुत अच्छे हैं, बट वीरल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है। ही इज एजुकेटेड होने के बावजूद ही बहुत एरोगेंट, बहुत एटीट्यूड, फीलिंग को नहीं समझने वाला इंसान है। प्रोबेबली आपको मेरे हस्बैंड अच्छे नहीं लगे, बट दैट्स योर बैड फॉर्च्यून। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली मिसेज राजवीर, मैं जहाँ से आती हूँ इट इज हेवन अकॉर्डिंग टू मी, एंड आई एम द प्रिंसेस ऑफ द हेवन। या वो मैंने देखा आप अपने घर में। एंड मिस्टर वीरल, ही इज माई बैक बोन एंड आई एम प्राउड बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड। एनी वेज दैट्स योर बैड फॉर्च्यून दैट यू डिडंट सी गुड क्वालिटी।